पुलिस ग्राउंड दोसड़का हमीरपुर में बीर गगन युवक मंडल लालड़ी के तत्वावधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि एपीएमजी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों की व्यक्ति एवं समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। खेल के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना एवं अन्य शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज भारत एक युवा देश है और लगभग 65% आबादी नौजवानों की है। इस समाज को देश के नौजवानों से बहुत बड़ी आशा है। अजय शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को नई पहचान दिलाने में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारत के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्टेडियम बनाकर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि नौजवानों को खेलों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इस खेल प्रतियोगिता में लगभग 35 टीमें जिला भर से भाग ले रही हैं। इस अवसर पर बीर गगन युवक मंडल के अध्यक्ष अक्षय ठाकुर, शुभम शर्मा, हरविंदर सहित बीना डडवाल, छोटू बंसल, अभिषेक दयाल, रविंद्र गढ़वाल, रविंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। खेलों का विद्यार्थियों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहता है। खेल के मैदान में व्यक्ति अनुशासन के साथ रहना, टीम भावना के साथ खेल को आगे बढ़ाना और इसमें व्यक्ति का, नौजवान का जहां बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वहीं मानसिक विकास भी खेलों के माध्यम से, खेल के मैदान में नौजवानों का होता है। और खेलों का समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा महत्व है। आज हम स्वस्थ खिलाड़ी के रूप में इस मैदान में खेल करके कुछ सीख करके जाएंगे आगे। हम, मेरा विशेष तौर पर आग्रह हर जगह नौजवानों से यही रहता है कि खेल के मैदान से जो कुछ सीख करके जाएं, आप समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। गांवों में अपने जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, छोटे मोटे शादी ब्याह और भी छोटे मोटे आयोजन, उनमें बढ़ चढ़ कर युवा साथी भाग लें तो एक समाज स्वस्थ और अच्छे समाज के निर्माण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहना होता है। और आने वाले समय में जहां भारत आज एक युवा देश के रूप में पूरे विश्व भर में उभरा है, लगभग 65% से अधिक आबादी युवाओं की, नौजवानों की इस देश के अंदर है और हिमाचल प्रदेश में विशेषकर आपने जिस प्रकार इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है और हर साल करते हैं, सरकारें भी अपने अपने स्तर पर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभाओं के, गाँव में छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विशेष को युवा नीति सरकार लाई है, खेल नीति हिमाचल प्रदेश की सरकार लाई है। लेकिन क्रिकेट की जहां तक बात हो और हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का हम स्मरण न करें तो भी अतिशयोक्ति होगी। हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को एक नई पहचान दिलाने के लिए अनुराग ठाकुर जी ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही प्रयास किए हैं और उन्हीं के अंथक प्रयासों का ये परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने बड़े कम समय में तैयार करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित किया है। इसके लिए अनुराग ठाकुर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद। बिलासपुर, शिमला, अन्य जिलों में भी उन्होंने छोटे छोटे क्रिकेट मैदानों का निर्माण किया है। हमीरपुर जिला के ही नादौन के अंतर में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का निर्माण करके यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी आकर के खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी के मैचेस यहाँ हो रहे हैं और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी यहाँ होने की संभावना बढ़ी है। उनके प्रयासों से न केवल क्रिकेट बल्कि अन्य खेलों को भी हिमाचल प्रदेश में पहचान मिली है। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विभिन्न खेलों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अंथक प्रयास किए हैं। अभी हाल ही में पिछले साल खेल महाकुंभ का आयोजन आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया, जिसमें लाखों नौजवानों ने भाग लिया। हर गांव से
खिलाड़ी उसमें भाग लेते रहे, विभिन्न प्रकार के मैचेज उसमें हुए। आपसे भी ये मेरा आह्वान है कि आप इस प्रकार रचनात्मक कार्यों में लगातार भाग लेते रहें और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लें और आदरणीय अनुराग ठाकुर जैसे युवा नौजवान से प्रेरणा लेकर के जिस प्रकार एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर क्रिकेट का टीम के कैप्टन के रूप में नेतृत्व किया, वहीं आज राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हिंदुस्तान के अंदर निभा रहे हैं। तो उन जैसे नौजवानों से प्रेरणा लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है और मैं व्यक्तिगत तौर पर एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस सफल आयोजन को करते रहें। आने वाले समय में जो भी किसी प्रकार की कोई कमी, किसी प्रकार का कोई आवश्यकता आपको होगी, हम हर समय यहाँ पर उपलब्ध हैं। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से, आदरणीय धूमल जी के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से जो भी युवक मंडलों को आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की सहायता चाहिए होगी, हम सरकार से कहकर उसको भी आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।